हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी रवा खजूरी बनाने, जो काफ़ी टेस्टी और यम्मी होता है। यहाँ पे मैंने आधे केजी के लगभग मैदा लिया है, उसमें थोड़े से मैंने दो एक से दो कटोरी के लगभग मैंने यहाँ पे रवा इसमें मिक्स किया है। दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर ले। मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा और मीठा सोडा लिया है। दोनों को आप आधी आधी चम्मच के लगभग डाल दें और अच्छे से मिक्स करें। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से सौंफ लिया, एक चम्मच के लगभग सौंफ आप इसमें ऐड कर दें। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आप मिक्स करें। इलायची को अच्छे से कूट लें और उसे पाउडर फॉर्म में रखना चाहे तो वो, या ऐसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसका टेस्ट और भी अच्छा बन जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जिस तरह से सारे को मिक्स किया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इलायची को भी कूट लिए, क्रश कर लिए हैं। इसी तरह से आप भी क्रश करके इसे अच्छे से मिक्स करें। सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स करते जाएं और बराबर से मिलाते रहें। आप देख सकते हैं मैंने एक कप के लगभग यहाँ पे रिफाइंड लिया है। आप घी भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें, जब तक ये मुट्ठी की तरह बंधने ना लगे तब तक आप इसे मिक्स करते रहें। दोनों हाथों की सहायता से इसे आप मिक्स करें, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए और मुट्ठी की तरह बंधने लगे। अब थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी ये गुठलियाँ जैसी बनने लगी है, मुट्ठी बंधने लगी है। इसका मतलब है कि अच्छे से खस्ता बन गया हुआ है। और आप इसमें मैंने आधे के जी के लगभग चीनी डाला है, इसे आप भी इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स करें। सारे इंग्रेडिएंट्स को बड़ा सा बर्तन लें और उसमें डाल करके इसे अच्छे से मिलाते जाए, जिस तरह से मैंने मिलाया है। पूरे से इसे ऊपर से नीचे की तरफ मिलाए, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके मैंने एक ग्लास के लगभग यहाँ पे दूध लिया है, जिससे ये और भी खस्ता और टेस्टी इतना बनेगा कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग एक बार बनाएंगे, बार बार बनाने की इच्छा होगी। इतनी स्वादिष्ट रेसिपी है कि मैं क्या कहूँ। आप लोग खुद इसे ट्राई करके देखें तो आप लोग को आएगा समझ में कितनी अच्छी रेसिपी है। और कई दिनों तक आप इसे स्टोर करके महीनों तक आप रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े दूध डाल करके मैंने यहाँ पे इसे मिक्स किया है। इसी तरह से आप भी मिक्स करके इसे रखें और बराबर से इसे थोड़ा थोड़ा ही दूध डालें। एक बार में अधिक ना डालें, नहीं तो गीला हो जाएगा और अच्छे से इसकी खजूर नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप इसे थोड़े थोड़े ही डालें और अच्छे से मिक्स करें। चारों तरफ से इसे मिलाते हुए अच्छे से मिक्स करें। इसे हमें आटा नहीं बनाना है, यह हल्का सूखा सूखा ही रहना चाहिए, जिससे ये और भी अच्छा बनेगा। इस तरह से आप पूरे, आप देख सकते हैं मैंने पूरे दूध इसमें यूज कर लिए हैं। अगर आपको सूखा लगे बनाते वक्त, लड्डू की तरह इसे सेफ्टे करके आप इसे बना सकते हैं। इसे पहले आप आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दें, इस तरह से हाथों की थपकी लगा करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे रेस्ट पे छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये आसानी से मुट्ठी में आप हाथों की सहायता से दबाते हुए इसे बना ले, पेड़े की तरह बनाए या लंबे शेप में आप इसे बनाए। और कई तरह के आप इसे डिजाइन भी दे सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बारी बारी से ढेर सारी लोइयाँ बना ली है। जिस तरह से मैंने बनाई उसी तरह से आप भी बना लें और इसे आप छन्नी की सहायता से आप शेप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ छन्नी का यूज किया है। आप बड़ी वाली छन्नी का भी यूज करके आप डिजाइन वाली मशीन आती है उस पर भी आप इसे नहीं कई तरह की डिजाइन दे सकते हैं। फॉग से भी आप डिजाइन दे सकते हैं, बहुत प्यारी सी डिजाइन उठकर आती है। इधर आप देख सकते हैं मैंने रिफाइन डाल दिया है गर्म होने के लिए। आप इसे चेक कर सकते हैं धीमे एंड लो फ्लेम रखे। आप देख सकते हैं तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब ये फ्राई होने के लिए अच्छे से तैयार है। आप एक एक करके बारी से आप इसे डालते जाए और फ्लेम को धीमा रखें, जिससे अंदर से कच्चा ना रहे और अच्छे से इसे पलट पलट कर गुलाबी होने तक इसे अच्छे से पकाएं। आप देख सकते हैं मैंने पलट लिया है और ये गुलाबी हो चुका है। इसी तरह से इसे बनाएं और आप भी प्लीज़ इसे ट्राई करें एक बार। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है इसे। आप लोग ज़रूर, उम्मीद है आप बनाएंगे और आप लोग भी इसे। थैंक यू, धन्यवाद।